हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ कलरफुल रिफ्रेशिंग पॉप्सिकल आइसक्रीम की रेसिपी, जिसे देखने के बाद आपकी बचपन की यादें ताज़ा होने वाली है। बचपन में इस आइसक्रीम को हम सभी ने कहीं ना कहीं जरूर खाया है और आज भी हमारे बच्चे इस आइसक्रीम को खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए आज एक बार फिर से हम अपने बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं और इस गर्मियों के मौसम में इस आइसक्रीम को इंजॉय करते हैं। इस आइसक्रीम को बनाने के लिए हमने तपेली में 2.5 गिलास पानी ले लिया है। पानी डिपेंड करता है कि आप कितना आइसक्रीम बनाना चाहते हैं। खास बात यह है इस आइसक्रीम की कि इसके लिए आपको बाहर से कुछ लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर के रखे चीजों से ये आइसक्रीम बहुत ही आसानी से बन जाती है। पानी हमारा हल्का गर्म हो गया है तो अब इसमें हम ऐड करेंगे अपने मिठास के अकॉर्डिंग चीनी। चीनी का इस्तेमाल हम थोड़ा सा ज्यादा करेंगे इस आइसक्रीम में, क्योंकि सिर्फ चीनी और पानी से ही हम इस आइसक्रीम को बनाएंगे, तो चीनी का इस्तेमाल हम थोड़ा सा ज्यादा करेंगे। अब थोड़ी देर इसे हम चला लेंगे ताकि जो शुगर है हमारा, जो चीनी है हमारा, पानी में अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। तो देखिए चीनी भी पानी में अच्छे से घुल गई है। अब चीनी और पानी को हम मीडियम फ्लेम पर 3-4 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे, जिससे पानी और चीनी का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। तो चीनी पानी हमारा अच्छे से पक गया, तब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी काली नमक, जिससे कि आइसक्रीम में हमारा ना चटपटा सा स्वाद आएगा। काली नमक से थोड़ा सा चटपटा सा स्वाद आता है। नमक को भी अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें इस्तेमाल करेंगे आधे नींबू का रस, जिससे आइसक्रीम में ना हल्की खटास बनी रहेगी। काली नमक और नींबू हमारे पेट के लिए काफी फायदेमंद होता है, इससे बॉडी को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। तो सभी चीजों को अच्छे से हम और 3-4 मिनट के लिए चलाते हुए पकाएंगे। उसके बाद हम फ्लेम को कर लेंगे बंद और उसके बाद इसे कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए जो हमने लिक्विड तैयार किया था वो पूरी तरह से ठंडा हो गया है और इसे अब हम 3 गिलासों में बराबर करके बांट लेंगे। तो क्योंकि इसे हम कलरफुल बनाएंगे तो मैं इसमें 3 कलर का इस्तेमाल करूंगी, इसलिए मैंने इसे ग्लास में 3 भाग में डिवाइड करके बांट लिया है। अब हम इसमें अच्छी क्वालिटी वाली फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम पीले कलर का इस्तेमाल करेंगे, तो मैं यहाँ पे 2 बूंद फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ और उसके बाद फूड कलर को हम पानी में अच्छे से मिला लेंगे। सेकंड में मैं पिंक कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो सेम हम 2 बूंद पिंक कलर का इस्तेमाल करेंगे और चम्मच से हम इसे मिला लेंगे। आप चाहे तो किसी भी फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी कलर आपको पसंद हो। थर्ड में मैं यहाँ पे हरे कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 से 1.5 पिंच हम फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम पाउडर वाले फूड कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो चम्मच से इसे भी चलाते हुए अच्छे से हम मिला लेंगे। तो अब हमारा सारा जो कलरफुल घोल है वो बनकर तैयार है। अब हमने यहाँ पे ले लिया है आइसक्रीम ट्रे। अगर आपके पास ये ट्रे नहीं है तो भी मैं उसका ऑप्शन बताऊंगी। तो इस ट्रे में हम सारे कलरफुल लिक्विड को डाल लेंगे एक एक करके। अब सारे आइसक्रीम के मोल्ड के ढक्कन को हम अच्छी तरह से लगा लेंगे और उसके बाद सारे आइसक्रीम मोल्ड में हमें जो आइसक्रीम की स्टिक आती है ना, उसे अच्छी तरह से लगा लेना है। तो लीजिए हमारा आइसक्रीम ट्रे भी रेडी हो चुका है। इस आइसक्रीम ट्रे को हम साइड कर लेते हैं। अगर आपके पास आइसक्रीम ट्रे नहीं है तो घर में पड़ी कोई भी स्टील की ग्लास या फिर चाय पीने की कप और या फिर चाय कॉफी पीने वाली ये जो छोटी छोटी डिस्पोजल की ग्लास आती है ना, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस डिस्पोजल वाली कप में हम अपने कलरफुल लिक्विड को डाल लेंगे। इसमें भी काफी अच्छे से जम जाती है आइसक्रीम और बहुत ही आसानी बहुत ही इजली से निकल भी जाती है। अब हम सारे आइसक्रीम के जो ग्लास है ना, इसे हम अल्मीनियम फॉइल से इस तरह से कवर कर देंगे अच्छी तरह से और चाकू की मदद से इसमें हम इस तरह से बीच में कट लगा लेंगे और आइसक्रीम स्टिक को इसमें हम डाल देंगे। अब हम आइसक्रीम ट्रे और जो हमारे कप है 7-8 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट के लिए इसे हमें फ्रीजर में छोड़ देना है जमने के लिए। 8-10 घंटे हो गए हैं और आइसक्रीम भी हमारी काफी अच्छी तरह से जम गई है, तो इसका हम ढक्कन निकाल लेंगे। मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ आइसक्रीम। तो ये देखिए कितने आराम से कितने इजीली जो आइसक्रीम हमारी निकल गई है। तो इसी तरह से हमने सारे आइसक्रीम को निकाल लिया है और जो कप वाली आइसक्रीम है इसे हल्के हाथों से इस तरह से घुमाएंगे और बहुत इजीली ये भी निकल जाएगी। ये देखिए कितनी शानदार जो हमारी आइसक्रीम है वो
बनकर तैयार हुई है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ बहुत ही जल्द और एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।